नमस्कार दोस्तों, डीके सेवन डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स नए नए डिजाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा और बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको यह प्लान पसंद नहीं भी आता है या आपके प्लॉट में यह प्लान एडजस्टमेंट नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यह प्लान शेयर जरूर करें क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है। हो सकता है ये प्लान जो है किसी न किसी को कुछ ना कुछ काम आए, तो प्लीज़ किसी और के फायदे के लिए यह प्लान जो है, यह वीडियो जो है आप शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में जो बेल का आइकॉन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वह वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वो प्लान जो आज हमने आपके लिए लाया है। तो देखिए दोस्तों, प्लान की तरफ बढ़ने से पहले स्क्रीन पर हमारे ऑफिस के नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है। तो देखिए आज का जो प्लान है वो हमारे पास यूट्यूब पे एक व्यूअर्स ने कमेंट दिया था और बहुत सारे कमेंट्स आए थे, 21 फीट बाय 38 फीट के आसपास के प्लॉट्स के प्लान चाहिए थे। तो हमने उस कमेंट के आधार पर ये 21 फीट बाय 38 फीट का यह प्लान बनाया है। तो कार पार्किंग भी एडजस्ट की है। देखिए ये जो है इस साइड में रोड बताया गया है। इस प्लॉट का साइज़ आप पहले समझ लीजिए, 21 फीट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक है और 38 फीट जो है यहाँ से यहाँ तक है। तो 21 फीट बाय 38 फीट में यह पूरा प्लान बिठाया गया है, जिसमें देखेंगे तो आउटर वॉल जो है 9 इंच की ली गई है और इनर वॉल जो है 4 इंच की ली गई है। ठीक है, तो एक ही रोड है हमारे प्लॉट में और बाकी के तीनों साइड है, तीनों साइड में दूसरों के प्लॉट्स है। तो हमने जो है हमारा वेंटिलेशन हमारे प्लॉट में एडजस्ट किया है। तो देखिए इस साइड में हमारा रोड है, एक ही रोड है, रोड से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन गेट रहेगा। यहाँ से हम मेन गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमें पार्किंग के लिए एरिया मिलता है, 14 फीट 10 इंच है यहाँ से यहाँ तक और 14 फीट 10 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक, मतलब 15 फीट का है, मतलब 15 फीट की जो है कार पार्किंग के लिए हमें जगह मिलती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 7 फीट का पैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारी पार्क बाइक, हमारा जो कार है पार्क हो सकती है, छोटी कार पार्क हो सकती है, मतलब जो स्मॉल कार्स रहती है जो अल्टो वगैरह क्विड वगैरह, तो वो कार पार्क हो सकती है। लेंथ में कोई दिक्कत नहीं, लेंथ में बड़ी कार भी पार्क हो सकती है, लेकिन विड्थ में है 7 फीट है इसलिए 7 फीट में छोटी कार पार्क हो सकती है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है हमारी बाइक वगैरह पार्क हो सकती है, यहाँ पे बाइक के लिए जगह दी गई है और छोटा सा गार्डन वगैरह भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद में ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं, मतलब ऊपर की मंजिल पर जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है, देखिए ये स्टेयर जो है ऊपर ऊपर चल जाएगी, तो इसके नीचे की जो भी जगह है हम नीचे यूज़ कर सकते हैं, पार्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाइक वगैरह पार्क करने के लिए या तो फिर स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, मतलब ये जो कार पार्किंग के ऊपर जो हमारा स्लैब रहेगा, जो पोर्च रहेगा, इस पोर्च पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यह ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पर आप सेम प्लान रिपीट कर सकते हैं या तो आपके हिसाब से आप यह प्लान चेंज भी कर सकते हैं। ये स्टेयर केस जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी अगर ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है या दूसरी फैमिली को यूज़ करना है, क्योंकि उनका आना जाना जो रहेगा वो बाहर से ही रहेगा, हमारे नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारा मेन डोर रहेगा इस लिविंग रूम का। देखिए लिविंग रूम का साइज़ जो है 13 फीट बाय 9 फीट 2 इंच का है, मतलब 13 फीट बाय 9 फीट 2 इंच का, 13 फीट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक है 13 फीट और 9 फीट 2 इंच है यहाँ से यहाँ तक है। तो प्लॉट के साइज़ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया साइज़ है और एक बड़ा सा विंडो हमने यहाँ पे दिया है तो यहाँ से इस लिविंग रूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद में टॉयलेट बाथरूम का एरिया पहुँच रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारा बाथरूम दिया गया है और यहाँ पर टॉयलेट दिया गया है। बाथरूम का साइज़ जो है 3 फीट 8 इंच बाय 6 फीट का है और टॉयलेट का साइज़ जो है 3 फीट 6 इंच बाय 3 फीट 8 इंच का है। और टॉयलेट को वेंटिलेशन जो है इस साइड में दिया है क्योंकि इस साइड में हमने ओपन टू स्काई रखा है, ओपन डक्ट रखा है। यहाँ पे वॉश एरिया बताया गया है, ये जो वॉश एरिया है यहाँ पे हम ऊपर हम स्लैब नहीं डालेंगे, इससे इस टॉयलेट को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और ये बाथरूम का वेंटिलेशन जो है यहाँ पे ओपन पैसेज रहेगा तो यहाँ से इसको इस पैसेज से वेंटिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और पीछे की साइड में वॉश एरिया दिया गया है, लगभग 3 फीट की जगह छोड़ी गई है। तो ये जो वॉश एरिया है इस किचन के लिए दिया गया है, ये किचन वाले जो है यहाँ से डायरेक्टली आके ये वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए लिविंग रूम से हम डायरेक्टली टॉयलेट बाथरूम तो यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद में हम किचन देख लेते हैं। 11 फीट बाय 10 फीट का इस किचन का साइज़ है, मतलब 11 फीट बाय 10 फीट का, और एक बड़ा सा विंडो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से इस किचन को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और किचन को वॉश एरिया जो है यहाँ से दिया है, और टॉयलेट बाथरूम जो है डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी की भी प्राइवेसी हमारे यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होती है। और लास्ट में देखेंगे तो एक बेडरूम बताया गया है 10 फीट बाय 10 फीट 10 इंच का, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट 10 इंच का, मतलब लगभग 10 फीट बाय 11 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। और एक विंडो जो है यहाँ पे दिया है, और यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और इनको टॉयलेट बाथरूम यूज़ करना है तो वो डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी डिस्टर्ब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप में ये पूरा 21 फीट बाय 38 फीट का पूरा प्लान हमने बनाया था। यह प्लान जो है आशा करता हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है या नहीं भी आता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपका प्लॉट का डिटेल दे सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। हम आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारे चॉइस के हिसाब से बढ़िया प्लान और डिज़ाइन बना के दे देंगे, लेकिन उसके कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो है आपको पे करना पड़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आप शेयर ज़रूर करेंगे और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।